नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्री स्टडी इन अब्रोड। तो ऐसे है कि बहुत सारे बच्चे वो एकेडमिक वाइज बहुत ही शार्प रहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक है, तो उनके लिए दीज आर द ऑप्शन इन फॉरेन कंट्री, तो वो ये ऑप्शंस ले सकते हैं। इवन मेरे पास जो बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट के अंदर, आपको ऐसी वीडियोस कहीं से नहीं मिलेंगी जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। इवन हमारी और भी वीडियोस देखें, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अनदर चैनलों के ऊपर नहीं मिलेगी। तो हमारे पास देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ के ऑप्शन, मैं जैसे 100 कंट्रीज़ बताता हूँ और 40-50 कंट्रीज़ की तो प्लेलिस्टें बनी हुई है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राउन इमिग्रेशन को किस टाइप का नॉलेज है। वो टोटल ट्रांसपेरेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि 15-20 हज़ार के चक्कर में झूठ बोलें या आपको मोटिवेट करें। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ही रिगुलरसली आपको फॉलो करते हैं, अगर आपकी एक हमारे पास कॉल भी आ जाती है या विजिट भी आ जाती है। और एवरीथिंग हम क्लाइंट के ऊपर छोड़ते हैं, बट अगर क्लाइंट हमें कुछ सजेशन पूछता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो उसको वी आर टेलिंग द फैक्ट कि दिस इज द फैक्ट, आगे आपके ऊपर है। बट एक चीज मैं बता दूं, मैं किसी भी पर्सन को 100% नहीं दे पाऊंगा, ना ही दे सकता हूं, ना ही कोई भी पर्सन इन द वर्ल्ड है जो कि किसी को भी 100% प्रोवाइड कर पाए। ये समझने की कोशिश करनी है आपने। तो इवन मेरे बच्चे क्यों ना, मैं उनको भी नहीं, मेरी वाइफ के, उनको भी मैं 100% नहीं दे पाऊंगा, तो आप तो फिर हमारे क्लाइंट हैं। तो ऐसा है कि कोशिश हमारी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, अगर क्लाइंट समझता है, अगर नहीं समझता तो हम यहीं से नमन करते हैं उसको कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे और भी एजेंसीज है, यू कैन टेक द सर्विस ऑफ देम। और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, और इवन लोग हमारी जस्ट वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट करते हैं पुटिंग द मनी बाय सिटिंग इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड, कुछ भी एक्स वाई जेड अमाउंट। एक अभी मैं कुछ कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पर आप फ्री में जा सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं। इवन फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है, एकेडमिक वाइज भी स्ट्रांग हैं, तब भी आपको इन कंट्रीज में मैं प्रेफर करूंगा कि पुट द एप्लीकेशन देयर। देखो 5 कंट्रीज आम लोगों के पास मिलेंगी, कमर्शियल कंट्रीज हैं, लोगों का बिजनेस भी उन कंट्रीज के कमीशन के ऊपर डिपेंड है। यूके जैसी कंट्री में बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में, कनाडा यूएस जैसी कंट्री में बताऊँ, ये 5 कंट्रीज आपको इजीली मार्केट से मिल सकती हैं क्योंकि कमीशन बेस्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर। तो ये मैं जो कंट्रीज यूरोप बोलता हूँ या ये कंट्रीज मैं फ्री में बोलता हूँ, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कंसल्टेंट, दे आर ओनली लुकिंग द गुड स्टूडेंट। अगर एजुकेशन को देखते हैं कि यूरोप का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, लीडिंग यूनिवर्सिटीज आर देयर, कोई भी रिसर्चर आप उठाकर देख लीजिए वर्ल्ड का, तो वो यूरोप से ही आपको मिलेगा जो लीडिंग रहेगा। तो बहुत सारी सिस्टम है यूरोप के अंदर स्टडी का अभी, और फीसेज बहुत इकोनॉमिकल, फ्री में भी स्टडी प्रोवाइड करती है। जर्मनी की बात करूँ, मतलब वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है, एडमिशन आता है तो मैं कहता हूँ मोर देन 95% दे विल ग्रांट द वीज़ा इफ़ यू विल गेट द एडमिशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी। लेकिन वन हर्डल इज देयर कि स्टूडेंट को अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कर ले जाने पड़ते हैं, लेकिन आपकी इंटायर स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरीके से साथ में नेबरिंग कंट्री है ऑस्ट्रिया में भी फ्री स्टडी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑस्ट्रिया में भी आपको ऑप्शंस देखने चाहिए। वीज़ा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है बट जर्मनी से कम है। तो इटली भी फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है, लेकिन वीज़ा की बात करते हैं तो बहुत ही, मतलब कहिए कि इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। इग्नोर करने की कोशिश करता हूं कि यहां पर अपना टाइम और लाखों पैसे वेस्ट ना करें। उन कंसल्टेंटों से बचे जो सिर्फ फ्री के नाम पर आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाकर जहां आपकी फाइल एम्बेसीज में पहुंचाकर लाखों रुपए ले लेते हैं, उनसे बचना है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन, जब बीइंग ए आप एक बिजनेसमैन है, तो आप बताइए कि जस्ट फॉर दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आप बच्चों से लाखों रुपए ले लें क्या, कि आपने बच्चे का फ्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवा दिया और वहां के स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट बना दिए और वीजा फाइल अप्लाई कर ली, अपने 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपया ले लिया। हाँ, अगर आपने 1 लाख से 5 लाख लेना भी है तो एटलीस्ट उसका वीजा तो आने दो। तो ऐसी कंप्लेंट्स भी है तो उनसे भी बचना है। इसी तरीके से हमारे पास हंगेरी भी है, हंगेरी में मोर देन 95% वाले ही बच्चे वहाँ का हंगेरियन स्टाइपेंडियन स्कॉलरशिप ले सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें कवर हैं। तो उसके बाद हंगेरी के बाद हमारे पास रोमानिया भी है। रोमानिया में क्या है कि आपको फ्री में स्टडी मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी इन रोमानियन लैंग्वेज, और रोमानियन लैंग्वेज भी वहाँ की गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास स्टेप बाई स्टेप बहुत सारे कंट्री है। मैं साउथ कोरिया की बात करूँ तो वहाँ पर भी साउथ कोरियन स्कॉलरशिप है, मोर देन 95% वाला स्टूडेंट ही
अप्लाई करे, अदरवाइज उसका भी टाइम और मनी बेस्ड के चांसेस है। लग्जमबर्ग की बात करें, लग्जमबर्ग में भी फ्री स्टडी है, 200-300 यूरो की फीसेस है, बट हाई कंपटीशन वहां पर है, लिमिटेड सीट्स हैं, एक ही यूनिवर्सिटी है, तो सोच समझ कर अप्लाई करना है, साथ में अल्टरनेटिव ऑप्शंस लेकर चलने हैं। तुर्की भी स्कॉलरशिप के पोर्टल ओपन करती हैं, तो तुर्की में भी इंटायर स्टडी आपको तुर्किश लैंग्वेज में मिलेगी। ब्राजील गवर्नमेंट ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ऑप्शंस किए हैं, तो वहां पर भी हमने दो स्टूडेंट्स को भेजा है ब्राजील में भी। इंटायर स्टडी फ्री है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज और ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका लेवल हमारी IIT के लेवल का है, तो वहां पर भी बच्चे अपनी जो स्टडी है ब्राजील में कर रहे हैं, बट इट इज आल्सो इन पुर्तगीज लैंग्वेज, तो पुर्तगीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है देयर आफ्टर आपकी बैचेस। तो इसी तरीके से मैं ताइवान की बात करूं, ताइवान में भी आपको फ्री टाइप की स्टडी मिल सकती है, और चाइना में भी, चाइना गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, अंडर दैट आप वहां की स्टडी फ्री ले सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं, ऐसे ही हमें इन कंट्रीज का नॉलेज है, हमारे फिंगर्स के ऊपर है। अगर आपने फ्री में इन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाना है, प्रोफाइल असेसमेंट करवाएं, जहां आप इकोनॉमिकल स्टडी फॉरेन कंट्रीज में देख रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज लुकिंग कर रहे हैं, तो टेक द सर्विस फ्रॉम क्रॉन इमिग्रेशन, सिर्फ 15,000 रुपये एडवांस, 15,000 रुपये आफ्टर एडमिशन, बाकी फीस वीजा के बाद, ये ऑप्शंस आप हमसे ले सकते हैं। इवन विद वन फीस यू कैन पुट द एप्लीकेशन एटलीस्ट 2-3 कंट्रीज थ्रू क्राउन इमिग्रेशन, ऐसे एडवांटेज भी मिल सकते हैं। इवन इन केस वीजा रिजेक्ट भी होता है तो क्राउन इमिग्रेशन विद यू, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो हमारे साथ रजिस्टर्ड ही मत करवाएं, आप अनदर कंसल्टेंटों की सर्विस लें। तो प्रॉपर ओपन है, हर चीज ट्रांसपेरेंसी बताते हैं, ऐसे नहीं है कि अभी कोई चीज आपसे हाइड करें, अभी कुछ चार्जेस बताएं बाद में कुछ ले लें, ऐसा हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं है। तो लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना, थैंक यू।